नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग हमारी जो विचार गोष्ठी जो होगी उसमें हम लोग विषय रख रहे हैं निरंकुश या बेचैन। वो निरंकुश हैं या बेचैन हैं, यह जो विषय है इसको हम लोग अभी खोलते हैं। और ज़्यादा इस पर सस्पेंस रखना उचित नहीं कि एक तरफ मोदी हैं और दूसरी तरफ गोगोई हैं। खबरों पर ध्यान दीजिए और जो भी अभी गतिविधियां चल रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो करंट इवेंट है उस पर ध्यान दीजिए, और तो आपको ये लग जाएगा कि ये कितना प्रासंगिक है कि ये जो विषय रखा गया, ये जो शीर्षक रखा गया, निरंकुश हैं या बेचैन हैं। कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का, मैं शुरुआत करता हूँ नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और जिस तरह से एक नया एक राजीव गांधी का मसला जो खड़ा हो गया है, स्वर्गीय राजीव गांधी का, उस मसले पर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे सारे विचार हैं, और उस पर हम लोग आएंगे, बातचीत भी करेंगे और इस पर इसकी समीक्षा करेंगे कि प्रहार राजनीतिक जो इस्तेमाल है मंचों का, उसमें क्या हम अपने दिवंगत जो नेता हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज़ को फिर से खोदें, उसकी कब्र उघाड़ें और उस पर एक जिसको कहते हैं कि विद्रूप बहस, जो बहुत ही स्वस्थ बहस नहीं हो, उस तरह का बहस हम मंच पे लाएं, ये इसकी हम लोगों को समीक्षा करनी है। दूसरी तरफ हैं रंजन गोगोई, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। उन्हीं के वही सुप्रीम कोर्ट की ही एक कलीग ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसकी जो जांच पड़ताल के नाम पर जो लीपापोती की गई, ये सब आप लोगों ने देखी है, इसकी खबरें पढ़ी हैं। और आज ये भी खबर पढ़ी होगी कि वो जो तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट मिलना ही था, इसलिए कि जब शुरुआत में जो एक बेंच गठित हुई थी उसमें खुद भी रंजन गोगोई शामिल हो गए थे और उस बेंच ने भी उनको क्लीन चिट दे दी थी। और आज रंजन गोगोई को उस तीन सदस्यीय जो जांच कमेटी थी, न्यायिक जांच कमेटी थी, उन्होंने भी, उस कमेटी ने भी उनको क्लीन चिट दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में धरना प्रदर्शन हुआ, ये आपको अद्यतन सूचना दे दें। और उस धरना प्रदर्शन में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जो महिला वकील हैं, वो तमाम जो महिला वकील हैं वो थी शामिल, और उसमें कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और वो संस्थाएं सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उन संस्थाओं की जो प्रतिनिधि थी वो सब धरना प्रदर्शन में शामिल थी। और यहाँ तक ये हुआ कि ये जो जन आक्रोश है, इस जन आक्रोश को दबाने के लिए या जन आक्रोश को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द 144 धारा लागू कर दी गई है और उन महिलाओं को, और जो भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे, और उनको वहां से पुलिस ने बाकायदा उनको खदेड़ा। और ये दो डेवलपमेंट हैं, और इस डेवलपमेंट, इन ये जो डेवलपमेंट हैं या अवनति की तरफ हैं, ये दोनों डेवलपमेंट का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इस पर विचार करना है और बहुत ही ईमानदारी और मानवीयता के दृष्टिकोण से विचार करना है इस पर। हम अपने वक्ताओं से आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक ताहिरा हसन जी मौजूद हैं। ताहिरा जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक और प्रमुख बुद्धिजीवी प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी मौजूद हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है। भाजपा समीक्षक भी हैं बराबर समानांतर रूप से, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आपका स्वागत है। और विधि विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ, और मैं ये कहता हूँ, मेरा अनुभव है कि तमाम डिबेट्स में मैं योगेश जी के साथ रहता हूँ, तो योगेश जी को मैं एक समाज विशेषज्ञ भी मानता हूँ, और उस हैसियत से आज योगेश जी को आमंत्रित हम लोगों ने किया है। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा विषय आपने समझा है, इस पर मैं सीधा पहले विवेक जी की तरफ आता हूँ। और विवेक जी चूँकि सत्ता पक्ष संभालते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा दारोमदार है। और इस पर ये भी जो बैक स्टेज बात हो रही थी विवेक जी कि इस पर हम लोग जो हैं, राजनीतिक दल अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं, जैसे मेरी संस्था अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मेरा अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड होता है। और मैं ये कहता हूँ, आधिकारिक तौर पर सामने में सुन रहे हैं, हमारा प्रबंधन भी सुन रहा होगा,
मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी है, और इंडिविजुअल का मतलब ही होता है जो डिवाइड नहीं किया जा सके, है कि नहीं। ये जो है इंडिविजिबल जो हो उसी को इंडिविजुअल कहते हैं। तो हम जो है, हम ये मानते हैं, और हमारी वक्ता दीर्घा और मैं उसमें शामिल हूँ, हम सब लोग डिवाइडेड होने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग पूर्ण व्यक्ति हैं। तो मैं एक पूर्ण व्यक्ति के पास आता हूँ इस अपेक्षा के साथ कि आप जो हैं दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे अपने विचार से। विवेक जी, आपकी तरफ हूँ। आदरणीय प्रभात जी, जो मोदी जी का बयान पे चर्चा आपने रखी है, जो राजीव गांधी के बारे में उनका स्टेटमेंट आया, देखिए राहुल गांधी को उस पर तिलमिलाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। निसंदेह वो फोर्स की दलाली में राजीव गांधी का नाम था, और जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घूम घूम करके चोर बता रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका छोटे छोटे बच्चों से चौकीदार चोर का नारा लगवा रही हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा राजनीतिक जीवन निष्कलंक है, इसने अपने परिवार के लिए आज तक कुछ नहीं किया, जो सोचा जो किया राष्ट्र के लिए किया, उसकी छवि पर हमला करने का जो प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, और उनके माता जी को जो प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाया गया राहुल गांधी के द्वारा, ऐसे में उनके भी पिता के कर्मों पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। इससे कांग्रेस को इतना तिलमिलाना नहीं चाहिए। और यही बात जो न्यायपालिका की यहाँ हो रही है, पहले जो कमेटी बनी थी जिसमें रंजन गोगोई जी स्वयं शामिल थे, मैं उस डिबेट में भी था आपकी कृपा से, और योगेश मिश्रा जी के, मेरी कृपा से क्या, योगेश मिश्रा जी के मैं तर्कोश उसमें सहमत था कि प्रथम दृष्टया इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। ये विशेष समिति को दिया, और विशेष समिति को दिया गया। अब इसमें कोई ये कहे कि चूंकि वो बेंच फैसला दे चुकी थी, इसके वजह से समिति के फैसले को उसी दिशा में जाना था, मैं इसको नहीं मानता। समिति ने फैसला किया है, अब अगर समिति ने कोई रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब उस पर भी प्रश्न लगाना या तमाम संवैधानिक संस्थाओं को प्रश्न के दायरे में लाना, उनके विश्वसनीयता को कम करने की चेष्टा की। ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई है, और मैं, मेरे कुछ सवाल हैं, और वो जब सब लोगों के विचार आ जाएंगे तो उन प्रश्नों पर भी बातचीत होगी। योगेश जी, आपकी तरफ हूँ। देखिए, इसमें वैसे दो चीज़ें सीधी सीधी हैं प्रभात जी। पहली चीज़ तो ये है कि माननीय मोदी जी जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का आक्षेप या आरोप लगाया, ये एक ऐसे जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, दिवंगत हो गया, उसकी शरीर छोड़े एक लंबा काल बीत गया, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, ये बताता है कि मोदी जी के अंदर इस चुनाव को लेकर कहीं हताशा है, निराशा है, और उस झुंझलाहट में वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और मानसिक आवेग में इतना ज़्यादा बह रहे हैं कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि मैं सार्वजनिक मंचों पर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, ये उनकी हताशा प्रकट करता है, एक विषय। दूसरा विषय जो गोगोई साहब का मामला है, इसमें विधि की जो अवधारणा है वो ये है कि अगर कोई क्राइम कहीं पर होता है भारतीय दंड संहिता की व्यवस्था के तहत, तो उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होता है। भारतीय दंड संहिता के सारे अपराधों की प्रक्रिया के लिए उसमें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन, दंड प्रक्रिया संहिता में एक धारा 154 है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस लेती है, लेने के बाद पुलिस उसमें एक जांच अधिकारी नियुक्त करती है, जांच अधिकारी पूरे विषय की तहकीकात करता है, और तहकीकात करने के बाद यदि वह पाता है कि विषय में व्यक्ति दोषी है तो उसकी चार्जशीट बना करके न्याय के लिए कोर्ट भेज देता है, और अगर पाता है व्यक्ति निर्दोष है तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट भेज देता है, कोर्ट उस पर आखिरी निर्णय लेती है कि वह फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट एक्सेप्ट करे या ना करे। उस स्थिति में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वह सीआरपीसी के प्रोसेस को अडॉप्ट करना शुरू कर दे।
क्योंकि सीआरपीसी का जो प्रोसेस है ये पुलिस विभाग के लिए बनाया गया है, ये एग्जीक्यूटिव के लिए बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का पार्ट है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के पार्ट पे वर्क नहीं कर सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कमेटी द्वारा इस विषय पर कोई निर्णय लिया जाना या निर्णय लेकर कोई रिपोर्ट देना या उस रिपोर्ट को अंतिम मान लिया जाना, ये सर्वथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, वर्तमान देश की विधि व्यवस्था के विरुद्ध। क्या बात है, बहुत अच्छे योगेश जी। और इस पर हम लोग जो हैं थोड़ा इसके थ्रेड बेयर्स पर बात करेंगे अगले इसमें राउंड में। प्रोफेसर साहब आपके पास हूँ, आपकी आपकी जो केंद्रीय राय इस पर है, और फिर हम लोग विचार में आएंगे ताहिरा जी का सुनने के बाद। जी देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के बयान का प्रश्न है, अगर मैं सच की विवेचना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शब्दों के कुछ विशेषणों के प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए हुए थे। हम लोकतंत्र में ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना हुआ वो व्यक्ति होता है जिसको बहुमत ने मतदान किया होता है, और जब हम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो हम मारते हैं, ये हम भूल जाते हैं। अब मौत का सौदागर, खून की दलाली, भ्रष्टाचारी, चोर, नीच आदमी, ये जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मर्यादा का हनन करने के लिए हुए, कहीं न कहीं इस प्रकार की मर्यादा के हनन की प्रतिक्रिया के रूप में मैं इस प्रकार के बयान को देखता हूँ। और जहाँ तक ऐसे बयानों का प्रश्न है, मैं कहता हूँ कि शहादत से किसी को क्लीन चिट नहीं मिलती। इंदिरा जी की शहादत हुई थी, देश उसको स्वीकार करता है, सम्मान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी भूल जाए, इमरजेंसी में जो आक्रामक रवैया उनका था उसको भूल जाए। राजीव गांधी बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री रहे, उनकी शहादत, भारत रत्न उनको मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि सिख दंगों के 6000 लोगों के कत्लेआम को भूला जा सकता है। तो जिस परिप्रेक्ष्य में देश जिसको याद करता है, कानून की फाइल बंद भी, राजीव गांधी बोफोर्स की फाइल बंद हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या इतिहास भी, इतिहास आने वाले हजारों साल तक विवेचना का विषय रहेगा। और अभी भी हम 2000 साल का इतिहास भारत की विवेचना करते हैं, 5000 साल के इतिहास की विवेचना करते हैं। इसलिए इस विषय पर भ्रम नहीं होना चाहिए कि शहादत इस बात की क्लीन चिट किसी भी को भी नहीं देता, कोई भी व्यक्ति हो वह देश से बड़ा नहीं है। तो शहादत का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ऐसा गंभीर आरोप है तो उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। मैं इस बात से विनम्र रूप से अलग राय रखता हूँ। जी जी। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट पर मेरी राय यह है कि हम लोग पढ़ते थे कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया न्याय, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जी ठीक बात है, और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ताहिरा जी आपके पास हूँ। प्रभात जी, सबसे ज्यादा दुखद ये है कि राजीव गांधी के लिए जो कहा गया, एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री ने ये बात राजीव गांधी जी के लिए कही। देखिए, आपको भी याद होगा कि वीपी सिंह जी एक पर्चा जेब से निकाला करते थे, अकाउंट नंबर इसमें है, याद होगा आपको, और कोई अकाउंट नंबर नहीं था, वो कहते थे, यूँ कहा करते थे। लेकिन मेरा कहना है कि वो जब फाइल बंद हो गई और राजीव गांधी जी जिस तरह से अपहोल्ड करते हुए वैल्यूज़ को, शहादत उनको हुई, टेररिस्ट ने उनको मारा, आप उनको फिर लाकर इस देश की संस्कृति को रौंद रहे हैं। आप तो संस्कृति की बहुत बात करते हैं, ये भारत की संस्कृति है कि जो आदमी मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है अपने को डिफेंड करने के लिए, कम से कम कुछ मॉरलिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि वो आदमी जिंदा नहीं है। राहुल गांधी जिंदा हैं, उनको आप चोर कहिए, वो आपको चोर कहते हैं, हम लोगों ने नहीं कहा, वो चोर कह रहे हैं, उनको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा। मौत का सौदागर कोई कहता है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी को जर्सी गाय कहता है उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता, 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है कोई जस्टिफाई नहीं करता इसको। लेकिन ये कहना कि उन्होंने कहा तो हमने कहा, ये बड़ी, मतलब मुझे लगता है शर्मनाक बात है, और दिस इज अ न्यू लो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो इतना इतना नीचे आ गया है कि आप इस तरह की बातों को अहमियत दे रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि राजीव गांधी के बारे में कहने से पहले क्या उन लोगों ने ये बात सोची थी कि नवोदय विद्यालय को चलाने वाला राजीव गांधी था, जो लोग दून स्कूल में पढ़ते हैं
उन्हीं की तर्ज पे ये बनाया था कि गरीब आदमी वहाँ जाके पढ़े, बेहतर शिक्षा पाए, उसको भी याद कर लेते। बोफोर तो कब फाइल बंद हो चुकी थी, वो आदमी अभी जिंदा नहीं है। अगर आपको कुछ कहना ही था उसके बारे में तो कुछ अच्छा ही कह देते। आपने ये कह के अपने भारत की जनता को, जिसको जो अपनी बहुत गर्व करती है, उसको बता दिया है आपने कि मरने के बाद भी आप भारत रत्न का भी अपमान कर रहे हैं। भारत रत्न कौन देता है? जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनाता है? आप जनता का अपमान कर रहे हैं। और ये कहकर कि मौत के सौदागर, ये कहा, इसको जस्टिफाई नहीं किया सर, जिसने कहा वो गलत कहा। जी जी, उसको दंडित किया जाना चाहिए। जिसने जर्सी गाय कहा उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। हम लोग आएंगे फिर सीजीआई पर, थोड़ा सा आप बता दें। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह का उस महिला ने कहा है कि समिति में वो दो बार गई, तीसरी बार नहीं गई, ठीक है। उन्होंने कहा उनको भय का माहौल लग रहा था। मैं इस बात को कि ये बात यहाँ लाई गई, मुझे लगता है समिति को इसे देखना चाहिए था। हम सब विश्वास करते हैं अपनी जुडिशरी पर, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड पर, लेकिन इस बात को देखना चाहिए था कि जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई निर्भया के बाद, एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया है। उसके बाद ये बात देखना चाहिए था कि महिला अगर भयभीत हो रही है तो ऐसा क्या माहौल है, उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं कहती हूँ अभी भी जगह है, उससे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों भयभीत महसूस कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, इस पर बात करना चाहिए। हमारे जजेस को पूछना चाहिए, समझना चाहिए, वरना हमारी इसकी जुडिशरी की साख गिरेगी। जी तहरा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और हम लोग इस पर फिर आते हैं। और योगेश जी आपके पास आ रहे हैं, अब जो है डिबेट एकदम ओपन है, चार ही लोग हैं, मैं भी पांचवा इसमें शामिल हूँ, और चार लोगों के बीच में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात होनी है। और इस पर योगेश जी, एक चूंकि एक कानूनी पेच मेरे दिमाग में आ रहा था कि कानून भी, भारत में जो कानून का जो सिस्टम है उसमें यह है कि जो कोई भी अपराध चलता है, मान लीजिए अपराध भी चलता है, वो जब दिवंगत हो जाता है तो वो केस बंद हो जाता है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, रेफरिंग राजीव गांधी को बोफोर्स केस से क्लीन चिट मिली हुई है। आप जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिष्ठा जताते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को क्लीन चिट दी हुई है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गुजरात दंगे के मामले में आपको क्लीन चिट दी हुई है। हम उनको नहीं कहते मर्डरर हैं, इसीलिए है ना, क्लीन चिट मिली हुई है, क्योंकि क्लीन चिट मिल चुकी है। एक क्लीन चिट बहुत अच्छा, एक क्लीन चिट बहुत खराब। पहली बात, दो पॉइंट है विवेक जी ध्यान में रखिएगा, अभी योगेश जी के पास लीगल पॉइंट में ये कर रहा हूं कि एक तरफ तो डेथ हो गई तो केस बंद, अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दिया हुआ है, उसको आप ये कर रहे हैं। अगर देखिए पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं, तो जो सत्ता में है, ध्यान दीजिएगा योगेश जी, पॉलिटिकल पावर सत्ता में है तो वो कोई घटना होती है, कि जैसे मान लीजिए कि आप सिख दंगा हुआ तो गुजरात में भी दंगा हुआ, उस समय पॉलिटिकल पावर्स थी। आपको गुजरात दंगे के बारे में कहा जाता है तो बहुत ही वो आपको तिलमिलाहट होती है, बुरा लगता है। और दूसरी तरफ आपको सिख दंगा हुआ, चलिए ठीक है, वो एक कॉन्सिक्वेंस था कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उस पर ये हो गया, वो बहुत ही निंदनीय है। वो तो ठीक है, कोई भी दंगा प्रशंसनीय थोड़ी होता है, दोनों का बराबर से। लेकिन इसमें आप एक पर्टिकुलर चीजों को उठाएंगे, मैं एक जगह आके केवल फंसता हूं योगेश जी, कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें तत्कालीन केंद्र सरकार का रवैया थोड़ा संदेहास्पद था, केवल उसमें कि जो वो जो एक्साइड वाला जो चेयरमैन था वो जो है उस चेयरमैन को वहां से यहां से जो निकाला गया उसमें अर्जुन सिंह की ज्यादा बदमाशी थी, एंडरसन को, अर्जुन सिंह की ज्यादा। तो ये एक प्रसंग मैंने योगेश जी आपके सामने रखा। ये जो नरेंद्र मोदी का, अभी मैं गोगोई पर बाद में आऊंगा इसलिए कि समानांतर बहस चलती रहेगी, एक मिनट आ रहा हूं योगेश जी। तो योगेश जी आपसे ये पूछना है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो वो लीगल उसके इंप्लीकेशंस एंड रेमिफिकेशंस उसको ध्यान में रख के बोलेगा कि नहीं? आखिर उनको जो भाषण मुहैया कराने वाले लोग होते हैं वो क्या एकदम ही दिमाग से पैदल होते हैं? तो कानून विशेषज्ञ की दृष्टि से मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इस पर। देखिए हमारे यहाँ जो सर्वोच्च अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है,
और सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय में कोई भी निर्णय अगर एक बार ले लेती है तो उस निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है, और उस निर्णय के आगे अगर कुछ भी है तो वो प्रेसिडेंट का प्लेजर भर बचता है, बाकी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। ठीक बात है। सही। ऐसी स्थिति में बहुत से तथ्यों, बयानों, एविडेंस और सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि बोफोर्स कांड में राजीव जी का कोई योगदान नहीं था या कोई उनका वो सहयोग या कोई इस तरह के भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता नहीं थी, तो वो निर्णय लास्ट वर्डिक्ट है, अंतिम निर्णय है, और उस निर्णय के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता यदि आप भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो। बहुत सही बात है। नंबर एक। नंबर टू ये कि जिस तरह इन्होंने सिख दंगे की बात कही, तो मैं प्रभात जी थोड़ा आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहता हूं कि जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था तो उस समय भी पूरा के पूरे महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों के घरों को फूंक दिया गया था और 6,000 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था, 60,000 परिवार उजड़। उस समय की घटना को आप क्या कहेंगे? या इंदिरा गांधी के साथ घटना घटी तो उसके बाद क्या कहेंगे? या राजीव गांधी मरे तो उसके बाद पूरे के पूरे श्रीलंका के अंदर जो तमिल थे उनका जिस तरह नरसंहार हुआ उसको आप क्या कहेंगे? तो ये मॉब का रिएक्शन है। जब कोई बड़ी घटना देश में घटती है कभी भी कहीं भी, तो उस पर मॉब रिएक्ट करती है, और मॉब के रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। उसमें आप कभी भी सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री के शह पर क्या राजीव गांधी जी स्वयं जाकर के सिखों को मार रहे थे। उनके यहाँ का दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था या पूरे भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें डीएम था, एसपी था, मुख्यमंत्री था, गृह मंत्री था, गृह सचिव था, वगैरह वगैरह, ये सब लोग उस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का जो वर्तमान में झल्लाहट में जो रवैया दिखाई दे रहा है उसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू को तो वो गलत बता देते हैं, इंदिरा गांधी को तो वो गलत बता देते हैं, राजीव गांधी को वो गलत बता देते हैं। वो क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में उनके अलावा जितने प्रधानमंत्री हुए सब चोर बेईमान हुए? क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं देश को या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? ये गलत है और एकदम गलत है। जो संवैधानिक पद है उस पद का इस तरह अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, किसी को नहीं। गुड। ये जो है विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदरणीय प्रभात जी, योगेश जी कांग्रेस के कुकर्म को रफू करने का काम कर रहे हैं। रफू है ये? नहीं नहीं, बता रहा हूँ, रफू कर रहे हैं। उसको ऐसा संसदीय जामा पहना रहे हैं कि उसमें वो छिप जाए। जब आप नेहरू, इंदिरा, राजू के शासन की याद दिला करके उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं तो उनके कुकर्मों की याद कौन दिलाएगा? निसंदेह विपक्ष दिलाएगा। जब आप नेहरू की बात करेंगे तो हम मुद्रा कांड की बात करेंगे, जीव घोटाले की बात करेंगे। जब आप इंदिरा गांधी, कौन रोक रहा है? करिए, इसको कौन रोक रहा है? जब आप राजीव गांधी की बात करेंगे, हम गांधी की बात क्यों करेंगे? क्यों, क्यों जब सुप्रीम नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी है, जब तो आप राजीव गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? कोर्ट ने आपने हलफनामा दे दिया, हाँ। हम गलती मानते हैं, फिर भी आप बच्चों से चौकीदार चोर का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप राहुल गांधी के पैरेलल खड़े हैं? नहीं, पैरेलल ही खड़े हैं। देखिए, राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप इस तरह के आप विवेक जी, हमको केवल इतना बताइए कि जब आप एक बार सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल, जब पूरी बात कर ली, तो आप सुप्रीम कोर्ट को वायलेट क्यों कर रहे हैं? अभी आपने एक विषय और उठाया था, जैसे आपने बहुत बहुत बारीकी से भोपाल गैस कांड में क्रेडिट डिस्क्रेडिट अर्जुन सिंह के खाते में लिख दिया, और राजू गांधी नहीं था वो, नहीं, वो भी रफू था। हाँ। आप राजू गांधी क्लीन चिट दे दिया। हाँ। वायुसेना की एम्बेसडर में एंडरसन पालम एयरपोर्ट तक आया, अर्जुन सिंह वायुसेना के एम्बेसडर प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ। वो राजू गांधी की कृपा के बिना वायुसेना के एम्बेसडर प्रोवाइड नहीं हुई। आप थोड़ा जानकारी अद्यतन कर लीजिए, वो पुलिस की जिप्सी थी, वो वायुसेना के एम्बेसडर थी। और सुनिए, देखिए बेसिक बात क्या है, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिएगा विवेक सर, मेरा कंटेंशन जो है वो जैसे आप रफूगिरी कर, पालम एयरपोर्ट अर्जुन सिंह की हैसियत में नहीं है। सुनिए तो पहले, एक मिनट पहले, गाड़ी वहां तक पहुंच जाए, हवाई अड्डा तक। ठीक बात है, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। वो सत्ता का जो है, सत्ता का एक अपना एक आभा मंडल होता है,
और उस सत्ता के आभामंडल में कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का सीधे हस्तक्षेप हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मिनट पहले सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभामंडल में अमित शाह और नरेंद्र ये आपके योगी आदित्यनाथ क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं बोलते आप ईमानदारी से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको एक नियम बताता हूं, कानून विशेषज्ञ यहां बैठे हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मैं भी आया हूं। भारत रत्न उसी को मिलता है जिसका जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन रहता है। यही मैं कह रही हूं, भारत रत्न का। और अगर सुप्रीम, एक मिनट सुनिए, हाथ बात में खड़ा करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत किसी को क्लीन चिट दी है तब भी आपको बोलने का राइट नहीं है, वो बोलने का फिर जनता फोरम को राइट है, आपको राइट नहीं है, इसलिए कि आप एक खुद संवैधानिक पद संभाल रहे हैं और आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह जो है भारतीय संस्कृति है कि जो भी दिवंगत हो गया उसके बारे में आप अपशब्दों का और अनाप शनाप चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि आपको कौन कहता है कि बोफर्स का जिक्र ना करिए, आपको कौन कहता है एंडरसन का जिक्र नहीं करिए, आपको कौन कहता है भोपाल का जिक्र नहीं करिए? आप जो हैं, आप इतने हताश क्यों हो गए कि आप जो है बिना राजीव गांधी के नाम से आपका काम नहीं चल रहा? आदरणीय प्रभात जी, हम हताश नहीं हैं, हाँ? हम इनकी असलियत बता रहे हैं कि कांग्रेस की नस्ल क्या है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज राजीव गांधी तक कांग्रेस ने देश के साथ क्या किया है। मैं इनके मिश्रा जी के बात से सहमत हूँ कि शहादत क्लीन चिट नहीं देती है, भैया ठीक है, वो मारे गए बम ब्लास्ट में। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप ये बताइए विवेक जी, मैं थोड़ा सा आपसे फिर आ रहा हूँ इधर ताहिरा जी की तरफ। आप ये बताइए कि कितने साल से आप सरकार में हैं भाई? 5 साल पूरे हो गए। 5 साल है ना जी, तो 70 साल जो हो गया भारतवर्ष जी 71 साल का जी, तो वो किसकी वजह से हुआ? जनता की वजह से, लोकतंत्र यहाँ। अच्छा, तो आपकी वजह से और 70 साल हो रहे तो जनता की वजह से। अगर आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जनता की वजह से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, बातचीत जारी रहेगी।